हेलो दोस्तों, वेलकम टू अदितिस मॉम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, मुस्कुराते होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक एलोवेरा जेल के बारे में, जो कि काफी जन इसको यूज किए हैं एंड घर घर में ही इसको यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। पतंजलि का केसर चंदन एलोवेरा जेल, जो कि मेरे हाथ में ये ट्यूब है और आप देख रहे हैं, इसको मैंने पूरा खाली कर ही लिया है। थोड़ा सा बचा है, बस आपको टेक्सचर एंड कलर दिखाने के लिए मैं रखी हूँ। और अभी पूरा इस्तेमाल के बाद आज मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट और इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करूंगी। साथ में ये मेडिकेटेड प्रॉपर्टी के साथ है, तो सच्ची में क्या ये मेडिकेटेड है या नहीं, सारा कुछ आपको बताऊंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको करना क्या है, मेक श्योर करना है कि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में पास का बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको समय पे मिल सके और आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मेरा चैनल क्यों सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे जेन्युइन 100% जो मेरे साथ, मैं हर प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलता है, वो मैं 100% जेन्युइन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ना ही कोई स्पॉन्सरशिप, ना ही कुछ भी ये कोलैब्स है, बस मेरा ऑनेस्ट रिव्यू होता है। इस वजह से आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑनेस्ट रिव्यू मिल सकेगा, जिसके वजह से आपको अपना पैसा जो है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं, किस स्किन टाइप के लिए कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा नहीं, सारा कुछ जानकारी आसानी से मिल सकेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये है दोस्तों मेरे हाथ में, आप देख रहे हैं, पतंजलि का 60 ml का ट्यूब, जो कि मैंने लगभग खत्म कर ही दिया है। और ये जो एलोवेरा जेल है, ये केसर एंड चंदन वाला है। इनका और एक पैक भी आता है, जो कि ग्रीन कलर का नॉर्मल पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल होता है। और ये वाला जो है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे क्लियरली। तो सबसे पहले हम पैकेज देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का पैकेज में आता है, ट्यूब पैकेजिंग में, जिस वजह से कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हाइजीन रहता है। दूसरा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो प्रोडक्ट क्या क्लेम कर रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे उसका सामने में देख सकते हैं कि ये पिंपल्स और रिंकल्स मिटाएगा, खूबसूरत त्वचा दिलवाएगा आपको। तो ये इंस्टेंट सॉल्यूशन फॉर पिंपल्स है, रिंकल्स एंड ग्लोइंग फेयर स्किन। तो देखते हैं ये पिंपल्स के लिए है कि नहीं, मैं आपको आगे में चल के बताऊंगी। यहाँ पीछे की साइड में ये लोग मेंशन किए हैं कि ये एक यूनिक ब्लेंड है, जिसमें कि आपका व्हाइट चंदन, केसर और एलोवेरा का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, नॉरिशमेंट प्रॉपर्टी से भरपूर है, जिसके वजह से ये आपके स्किन के कम्प्लेक्शन को क्लियर करेगा, रफनेस को दूर करेगा, डलनेस को रिड्यूस करेगा एंड आपको हेल्प करेगा कंट्रोल आपका आपका मुंह, अगर आप स्किन में टैनिंग हो गई है, आपके डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन ज्यादा हो गए हैं, तो उसको रिड्यूस करने में। एंड ये आप सबसे अहम इसका काम होगा सीबम को कंट्रोल करना। सीबम ये होता है दोस्तों कि आपका फेस में जो ऑयल प्रोडक्ट होता है ना, टी जोन एरिया में ज्यादा जो ऑयल सिक्रेशन होता है, वो जहां से निकलता है वो ग्लैंड को बोला जाता है सीबम। सीबम ग्लैंड के थ्रू आपका स्किन में जो है ऑयल प्रोडक्शन होता है। तो ये प्रोडक्ट क्लेम कर रहा है कि ये आपका सीबम को कंट्रोल करेगा, यानी कि आपका जो ऑयल एक्सेस ऑयल अगर आपके फेस पे प्रोडक्ट मतलब निकलता है, तो उसको वो कंट्रोल कर देगा। इट मींस कि आपका फेस जो है ज्यादा ऑयली है, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा सुइटेबल है। दूसरा, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, एज ए प्राइमर यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका सीबम को कंट्रोल करेगा, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा, तो ऑब्वियसली आपका जो मेकअप होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो एज ए बेस ऑफ प्राइमर आप इसको यूज कर सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये लोग मेंशन किए हैं कि ये आपका आयुर्वेद प्रॉपर्टी के साथ है, जो कि मेडिसिन की तरह भी आपकी स्किन में काम करेगा। मेडिसिन इन द सेंस, आपका छोटा मोटा कहीं पे कुछ कट है या फिर थोड़ा बहुत कहीं पे अगर आप जले हैं, तो एलोवेरा को आप यूज कर सकते हैं। और इसका ईच 5 ग्राम कंटेंट है, घृत कुमारी, केसर एंड सफेद चंदन। तो ये एक बहुत ही अच्छा
प्रोडक्ट है जो कि आपका स्किन में बहुत सारा काम भी कर सकता है। जैसे कि इसमें विटामिन ई का विटामिन ई का मौजूदगी है और इसमें फॉर्मेंटेड कलर भी एडेड है दोस्तों, कि इट मीन्स कि आपका जो इसका येलोइश कलर होता है वो केसर से नहीं और भी एडेड कलर की वजह से आता है। तो इसमें ये कैसे प्रयोग करेंगे, इसका यहाँ पे तीन विधि लिखा हुआ है। जैसे कि पहला है कि आप इसको चेहरे पर जेल केसर चंदन मसाज कर सकते हैं डायरेक्टली, और आप इसको रात में सोने से पहले मसाज कर सकते हैं एंड सुबह उठकर गुनगुने पानी से अगर आप चेहरे धो देंगे तो आपका चेहरा ज्यादा ग्लोइंग बनेगा। और दूसरा है कि आप इसको नहाने से आधा घंटा पहले आपके चेहरे पर अच्छे से जेल को मसाज कर दें, फिर आप इसको धो दें नॉर्मल पानी से, और ये आपके स्किन से खुदखुदरापन, दाग धब्बों और या आदि, ये एलोवेरा जेल केसर चंदन 5 से 7 मिनट मसाज कर। अच्छा, आपके स्किन में अगर खुदखुदरापन, जैसे कि वो छोटा छोटा बम्स निकलता है ना, अगर वो निकल रहा है तो इसको आप अच्छे से मसाज करिए 5 से 6 मिनट एंड आप धो देंगे तो ये रेगुलर यूजेस के बाद आपका स्किन जो है वो फ्लॉलेस हो सकता है, ये प्रोडक्ट का क्लेम करना है। अब हम इसको चलिए मैं इसका मैं कैसे यूज करती हूँ पर्सनली उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले इसका जो सेल्फ लाइफ है दोस्तों, ये आपका पैकेजिंग का 18 मंथ्स मतलब एक से डेढ़ साल करीबन इसका सेल्फ लाइफ आपको मिल जाता है, और बस दैट्स इट, इसमें और कुछ है नहीं। प्राइस की अगर बात करें तो काफी अफोर्डेबल है। तो चलिए हम इसका टेक्सचर के बारे में बात करते हैं, और ये देखिए मैंने इसको पूरा खत्म कर लिया है और ये बहुत ही कम है। इसका जो कलर है दोस्तों, ये एडिट कलर है नो डाउट, बट बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। इसका जो टेक्सचर है ये काफी ज्यादा जेली है, बट ये ना वाटरी जेली है, इसमें चिपचिपाहट नहीं है, और ये आपके स्किन पे ब्लेंड भी बहुत आसानी से हो जाएगा। फ्रेग्रेंस की अगर बात करें तो इसमें चंदन का फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से आता है, बहुत ही अच्छा। अगर मैं आपको बोलूं तो आपको याद होगा मैंने अपने चैनल पे एक VLCC का चंदन हल्दी वाला जो फेस वॉश शेयर किया हुआ था, उसका जो फ्रेग्रेंस है और ये वाला एलोवेरा जेल का फ्रेग्रेंस है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, और खास करके ये चंदन फ्रेग्रेंस है इस वजह से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग फील हो जाता है आपको, थकान दूर होता है इसको अगर आप यूज करें तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों आपने इसका टेक्सचर देख लिया इसका, अब मैं बताती हूँ कि मैं इसको कैसे यूज करती हूँ। सबसे पहले हम इसको जो आपका प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कि आप अगर चाहें तो इसको नाइजर नाइट क्रीम भी यूज कर सकते हैं, रात को सोने से पहले आपके स्किन पे अच्छे से इसका अच्छा वाला अच्छा थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लेकर के बहुत ही अच्छे से अपर डायरेक्शन में इसको मसाज करिए एंड देन आप इसको छोड़ दीजिए। जब ये स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी, थोड़ा सा भी चिपचिपाहट जैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है, एंड देन आप आराम से रिलैक्स होकर सो जाइए। सुबह जब उठते हैं तो आप चाहे तो गुनगुना पानी से या फिर आप चाहे तो नॉर्मल पानी से भी वॉश आउट कर लीजिए। जब आप वॉश आउट करेंगे दोस्तों तो आपका जो चेहरा है ना, आपकी जो स्किन है ना, वो आपको बहुत ही ज्यादा मुलायम फील करती है, और मैंने इसको रेगुलर यूज किया हुआ है। आप है तो ये सबसे पहला ऐसे ही मैंने नाइट में इसको यूज किया हुआ है, दूसरा नाइट में एक यूज किया है, और नहाने से पहले मैं एक दो बार इसको बस ट्राई की हूँ, बट मुझे उतना इफेक्टिव नहीं लगा ऑनेस्टली। अगर नहाने से आधा घंटा पहले हम इसको यूज करते हैं, अगर हम ओवरनाइट छोड़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से कमाल का काम करता है दोस्तों। और मैं भी ये हो सकता है कि हम अगर नहाने से आधा घंटा पहले इसको लगा रहे हैं एंड देन जाके सोप का यूज करके हम फोम क्रिएट करके अगर नहा रहे हैं तो मैं भी इसका उतना जो काम करता है या फिर आपका स्किन का स्मूदनेस है वो नहीं पता चलता है, जैसे कि हम रात भर छोड़ेंगे तो पता चलता है। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं दोस्तों, अभी आप मेरा आवाज सुन रहे होंगे, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मुझे थोड़ा सा सर्दी हुआ है जैसे, एंड मुझे जब भी सर्दी होता है तो मेरा ये जो आईज है ना ये फ्लॉपी जैसा हो जाता है, ये दो पॉइंट पे ये वाला, तो मैं इसको एज ए अंडर आई क्रीम भी यूज करूं। वैसे तो मैं पूरा फेस में ही यूज करती हूं, पर पर्टिकुलरली अगर मैं इसको एक कर्टन की सहायता से, कर्टन में थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेकर के इसको यहाँ पे ऐसे रख करके मैं अगर इसको छोड़ देती हूँ ना दोस्तों, तो
बिलीव मी ये आपका फ्लॉपी आईज को भी रिड्यूस करता है, साथ में आपका अंडर जो आई का अंडर डार्क सर्किल होता है ना उसको भी ये रिड्यूस करता है। एंड अगर आप इसको अच्छे क्वांटिटी में लेकर के आपके फेस पे दिन में 2 बार अगर अच्छे से अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करते हैं, फेशियल मसाज देते हैं, आपका प्रेशर पॉइंट को एक्टिव करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपका रिंकल्स एंड एजिंग का प्रॉपर्टीज को, एजिंग मतलब जो बिफोर आपका ज्यादा एजिंग दिख रहा है तो उसको भी ये रिड्यूस करता है। तो हाँ दोस्तों, मैं इसको इस तरह से यूज करती हूँ एंड ये मुझे कमाल का गजब का रिजल्ट दिया हुआ है। वैसे तो और भी एलोवेरा जेल है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बट एफोर्डेबल के बारे में अगर हम बात करें तो ये पतंजलि का एलोवेरा जेल जो है वो काफी ज्यादा एफोर्डेबल है, जो कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। कॉलेज गोइंग गर्ल है आप, अगर हॉस्टल में रहते हैं तो ये इजीली आपका कोई भी नियर बाय ग्रोसरी स्टोर में भी ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप कहीं गाँव के अंदर भी रह रहे हैं तो अगर आपके वहां पे ऑनलाइन का ऑनलाइन अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो वो नहीं पहुंच पाता है, डेफिनेटली आप इसको एफोर्ड कर सकते हैं ग्रोसरी स्टोर या फिर मेडिकेटेड आपका कोई भी मेडिसिन शॉप है वहां से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एफोर्डेबल है, हर जगह अवेलेबल भी है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसको डेफिनेटली एक बार लाइफ में यूज करके देखिएगा। एंड दोस्तों आपका एक कंफ्यूजन होगा, सबके मन में एक क्वेश्चन होगा, क्या ये आपका फेस के लिए एंड हेयर के लिए भी सुइटेबल है? तो दोस्तों नो, ये हेयर के लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है क्योंकि इसमें कलर एडेड है, तो आप इसको बालों के लिए इस्तेमाल ना करें। बालों के लिए पर्टिकुलरली अलग से डिजाइन करके वो एलोवेरा जेल आता है, तो आप इसको बस अपने स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप शेविंग करते हैं, आपका अनवांटेड हेयर जो बॉडी से रिमूव करते हैं, उससे पहले भी आप इसको चाहें तो अप्लाई करके देन आप इरेज करके आपका अनवांटेड बॉडी हेयर भी रिमूव कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो इसको एज ए प्राइमर भी यूज कर सकते हैं, बट इस ये जो इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा वाटरी है, तो आपको ये अच्छे क्वांटिटी में लेकर के पहले फेस पे एज ए बेस सेट करना होगा, उसको काफी टाइम तक मतलब कम से कम 3 to 5 मिनट्स आपको छोड़ देना होगा कि ये आपके स्किन में अंदर जाकर के एब्जॉर्ब हो जाए। एंड देन आपको जब लगे कि परफेक्ट ये आपका स्किन के ऊपर एक बेस दिया है, तब जाकर के आप उसके ऊपर मेकअप ले सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, क्या ये प्राइमर का काम करता है? ऑब्वियसली करता है दोस्तों, बट वहां पे ये काम नहीं करेगा जहां पे जिसके स्किन पे ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। अगर आपके स्किन पे ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इसे आप एज ए मेकअप बेस या फिर एज ए प्राइमर यूज ना करें, क्योंकि ये पोर्स के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। तो अगर आपका मतलब बहुत ज्यादा ओपन पोर्स है तो अगर आप इसको रेगुलर यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे आपका पोर ओपन पोर्स का प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करेगा। बट सडनली अगर आपको मेकअप लेके कहीं जाना है पार्टी में तो आप इसको एज ए मेकअप प्राइमर यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा इसके ऊपर एक्सपीरियंस, एंड जो था मेरा ऑनेस्ट था, जो मैंने रिजल्ट इससे मिला है मुझे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जितना हो सके भर के शेयर करिए ताकि इसका जो जानकारी है बहुत लोगों के साथ पहुंच पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।